मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह रीवा के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में भी किसान महासम्मेलन और किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीधे प्रसारण के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात किसानों को सुनाई गई। रीवा में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम सहित तमाम संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उन 35 लाख किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। वहीं किसान बिल के संबंध में श्री शुक्ला ने कहा कि विरोधियों के द्वारा जिस तरह से किसानों को बरगलाया गया है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद किसानों को समझ आ गया कि किसान बिल उनके हित में है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने इस दौरान कृषि की प्राचीन पद्धति से लेकर आधुनिक पद्धति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक वह समय था जब बैल से खेत जोते जाते थे और जैविक खाद ही सबसे उपयोगी थी। आज आधुनिकीकरण के समय में कई कृषि यंत्र ऐसे बन चुके हैं जो खेती को और उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान के हित में कार्य कर रही है और आने वाले समय में यह और उन्नति की ओर अग्रसर होगी। किसानों के खाते में जो मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ओला और अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई थी उसकी राहत राशि लगभग 1600 करोड़ रुपए 35.5 लाख किसानों के खाते में डाला गया है और मध्य प्रदेश के सभी पंचायतों में इसका प्रसारण था और सबका सौभाग्य था कि प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया और कृषि सुधार के जो कानून बने हैं उन कानूनों के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसका जिस तरह से स्पष्टीकरण और उसकी वास्तविकता प्रधानमंत्री जी ने लाखों किसानों के सामने यहाँ पर रखी है तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और ये साफ साबित हो गया है कि कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी सुधार भारत की सरकार ला रही है उस पर भ्रम फैलाने का किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, ये दूध का दूध और पानी का पानी आज के उनके उद्बोधन में हुआ है।